वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है अबाउट माय न्यू ड्रोन व्हिच इज DJI Mavic Mini 2। और पहले मेरे पास था Mavic 1 जो कि मैंने लिया था मेरे फ्रेंड से, एंड दैट वाज अ सेकंड हैंड ड्रोन। और उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था जो कि अपने YouTube चैनल पे ऑलरेडी है, और आप में से काफी सारे लोगों ने वो वाला वीडियो देखा भी होगा। बट मैंने नया ड्रोन लेने के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया था बिकॉज टाइम ही नहीं मिला। हमारा वीकडेज में तो ऑफिस चालू रहता है और वीकेंड्स पे हम लोग राइड पे जाते हैं, सो अब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, इसीलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में भी एक व्लॉग बना दिया जाए। सो टुडे आई एम मेकिंग अ व्लॉग अबाउट माय न्यू ड्रोन। सो इस व्लॉग में हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि मुझे ये वाला ड्रोन के साथ क्या क्या मिला, और मैंने ये वाला जो ड्रोन है वो US से मंगाया। सो मैंने US से कैसे मंगाया, बिकॉज बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहते हैं कि हम लोग ड्रोन बाहर से इम्पोर्ट कैसे करें, बिकॉज द प्राइस डिफरेंस बिटवीन ड्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज इज ह्यूज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ एंड टॉक अबाउट द ड्रोन। सो दिस इज माई न्यू DJI Mavic Mini 2। ये वाला केस जो है वो बहुत सही केस है जो हमको डायरेक्टली मिलता है ड्रोन के साथ। मैंने DJI का मिनी 2 का फ्लाई मोर कॉम्बो परचेस किया, सो आई गॉट दिस केस विद दैट। हम लोग अगर नॉर्मल ड्रोन खरीदते हैं तो उसके साथ हमको केस नहीं मिलता। सो लेट्स ओपन द बॉक्स नाउ। सो द फर्स्ट थिंग विच आई गॉट इन दिस इज a drone, like this is a DJI Mavic Mini 2. Uske baad the second thing I got is a controller. This controller is huge, like Mini 1 ka jo controller tha wo itna hi tha and ekdam chhota sa tha, and yeah, it was a great controller, but iske control zyada easy hai, like आपको कैमरा मूवमेंट्स के लिए ये वाला बटन इधर दिया है, उसके बाद रिकॉर्डिंग और फोटो क्लिक करने का इधर है, फिर फंक्शन चेंज करने का है, उसके बाद सिनेमैटिक नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड का बटन इधर दिया है, उसके बाद रिटर्न टू होम का बटन इधर है और स्विच ऑफ का बटन इधर। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इसके जो जॉयस्टिक्स है वो उसका स्लॉट इधर ईजीली फिट हो जाए ऐसे दिया है। Mini 1 में ऐसा नहीं था, एंड Mini 1 को आपको नीचे के जो हैंडल्स है वो खोलने पड़ते थे, उसके बाद आपके जॉयस्टिक्स आपको मिलते थे। सो दिस कंट्रोलर इज रियली ग्रेट एंड वेरी इजी टू यूज एंड वेरी हैंडी टू यूज, और आपका फोन भी इसमें आराम से फिट हो जाता है। उसके बाद मुझे मिला है दिस बैटरी चार्जर, और मुझे इस ड्रोन के साथ मिले हैं 3 बैटरीज, एंड यू गाइज कैन ऑल्सो यूज दिस चार्जर एज अ पावर बैंक व्हेन यू आर ट्रैवलिंग जस्ट बाय प्रेसिंग दिस बटन। और सारी आपकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए, और ये बैटरी से आप आपका फोन भी चार्ज कर सकते हो। सो यू गाइज कैन ऑल्सो यूज दिस एज अ पावर बैंक एंड बैटरीज फॉर ड्रोन। एंड बाकी भी थोड़ी सी चीजें मिली है, लाइक फ्यू एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स अगर आपका ड्रोन क्रैश हो जाए और आपके प्रोपेलर्स टूट जाए, सो दे हैव ऑल्सो गिवन यू एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स एंड अ स्क्रू ड्राइवर टू टाइट योर प्रोपेलर्स, एंड एक्स्ट्रा गिम्बल कवर बिकॉज गिम्बल कवर हमेशा खो जाता है, एंड 3 केबल्स विच आर टाइप सी टू टाइप सी विच कैन बी यूज विथ एंड्रॉयड, टाइप सी टू माइक्रो USB एंड टाइप सी टू लाइटनिंग केबल विच कैन बी यूज विथ आईफोन। So these are the things which you get in a fly more combo, and now I'll tell you the price which I got this drone for is just 40,000 rupees because I got this drone from US. Agar yahi drone agar aap India mein lene ke liye jaye to aapko ye wala drone padega almost for 1 lakh rupees. Mostly main rehta hu Pune mein, aur Pune mein to drone easily available nahi rehta, aur drone agar mujhe lena hoga offline mode se to mujhe Mumbai aur Delhi jana padega because Mumbai aur Delhi mein drones easily available rehte hai, but drone ka black marketing bahut zyada rehta hai, so this drone might go above 1 lakh rupees in India. Amazon पे ये वाले ड्रोन मिल जाते हैं, बट Amazon पे 1 लाख रुपी प्राइस है इसका, एंड सिर्फ अगर आप ड्रोन लेने के लिए गए तो उसका प्राइस है 70,000 रुपीज़,
और 70,000 रुपीज़ में आपको मिलेगा सिर्फ ड्रोन, अ कंट्रोलर एंड दोस थ्री केबल्स. आपको ये वाला जो है ये बैग नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स नहीं मिलेंगे, एक्स्ट्रा बैटरीज नहीं मिलेगी, सिर्फ एक बैटरी मिलेगी. सो दैट्स इट, 70,000 में आपको वो मिल जाएगा और 1,00,000 रुपीज़ में आपको फ्लाइमोर कॉम्बो मिल जाएगा. सो आई सेव्ड ₹60,000 स्ट्रेट बाय ऑर्डरिंग दिस ड्रोन फ्रॉम USA. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हम लोग इंडिया के बाहर से ड्रोन कैसे ला सकते हैं. सो इंडिया से हम लोग ड्रोन इम्पोर्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ इलीगल टू इम्पोर्ट अ ड्रोन टू इंडिया. अगर आप ड्रोन लाना चाहते हो बाहर से तो देर आर फ्यू स्टेप्स यू गाइज नीड टू कंपल्सरीली फॉलो, विच आर, आप जब भी ड्रोन लाते हो तो हमको जैसे बॉक्स पीस मिलता है, सो प्लीज़ अनबॉक्स योर ड्रोन बिफोर टेकिंग योर ड्रोन टू द फ्लाइट. सो जैसा हम लोग बॉक्स में, हमको बॉक्स मिलता है ड्रोन का वैसे आप इंडिया नहीं ला सकते हो. अगर आपका ड्रोन बीच में कस्टम्स में पकड़ा गया तो आपका ड्रोन वो लोग जमा कर लेंगे और आपको आपका ड्रोन वापस कभी नहीं मिलेगा. सो दैट वॉज द वन पॉइंट विच वॉज अ मेजर पॉइंट. उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है विच इज लाइक नॉट दैट डिफिकल्ट और मैनी ऑफ यू गाइज माइट नो बिकॉज बहुत सारे लोग फ्लाई करते रहते हैं और everyone knows that batteries are not allowed in your check-in luggage. And before you guys get in your flight, you guys need to keep this thing and your controller in your handbag, which you take with you inside the flight because batteries are not allowed in check-in luggage. So yeah, these are the two things which you guys need to compulsorily follow if you guys want to get your drone to India. Because agar India ke bahar se to aapko drone mil jayega, but India mein jab aapka luggage customs wale check karte hai, to agar usme aapki batteries wagera dikhi और आपका अगर ड्रोन उसमें पकड़ा गया तो आपको कस्टम्स वाले आपका ड्रोन वापस नहीं देंगे, इवन इफ दिस ड्रोन इज लीगल टू फ्लाई विदाउट एनी लाइसेंस बिकॉज दिस ड्रोन इज अंडर 249 grams. फिर भी आपको कस्टम्स वाले आपका ड्रोन आपको नहीं देंगे. एंड या दैट वॉज इट फॉर दिस व्लॉग. अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन. अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय. और अभी मैंने अभी तक जो ड्रोन शॉट्स लिए वो वाले ड्रोन शॉट्स देखो. ड्रोन शॉट्स देखने के बाद यू गाइज कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड या कीप वॉचिंग द वीडियोज़.